हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं भरतपुर से रहने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवी तिवारी और मैं प्रयागराज से हूँ। हेलो, माय नेम इज सोनवी सिंह, आई बिलोंग टू भरतपुर राजस्थान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा शर्मा और मैं आगरा से। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज इरम अली, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा पांडे और मैं गोरखपुर से हूँ। जैसा कि मेरे पास में संजय पांडे सर का कॉल आया था, मुझे FEA ज्वाइन करना है, मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग होने वाली है, तो एक बार को मुझे ऐसा लगा कि मैं लखनऊ जाऊँगा, वहाँ पे कैसे रहूँगा। मेरे पिताजी को भी ये डाउट था कि मतलब वो मुझे यहाँ पर भेजने से मना कर रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि सारी जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे मुझे देखने को बहुत अच्छा लगा। और जो सारे नियम कायदे हैं यहाँ पे, जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सबका ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। हमारी जो ट्रेनर है मिस अंजलि चमोली जी, जो कि हमें पर डे कुछ ना कुछ नया बताती रहती है, ट्रेनिंग में हमें पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन में कैसे रहना है, एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है, ये मैंने ट्रेनिंग में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखी है। और जो कि मेरे लिए यहाँ पे यादगार जो दिन बताना चाहूँ तो मैं, मेरे लिए यहाँ पे बताया गया हर एक दिन मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा। बात करें, जब मुझे कॉल आया था कि मुझे लखनऊ आना है ट्रेनिंग के लिए, तो मैं और मेरी फैमिली हम बहुत डाउट में थे कि कैसा ट्रेनिंग सेंटर होगा, फैसिलिटीज कैसी होंगी, क्योंकि नेहरू सिटी सेंटर भी है। बट मेरी मम्मा आई थी एक दिन के लिए यहाँ पर और वो बहुत सेटिस्फाई होकर गई। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है मेरी कि मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी, बिकॉज यहाँ का पूरा स्टाफ इतना हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है। मुझे अगर कोई मेमोरेबल मोमेंट बताना हो यहाँ का, तो ट्रेनिंग हॉल का हर एक मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल है, जो कि हमारी ट्रेनर है मिस अंजलि चामोली, ये इतनी सारी बातें हमें बताती हैं। ऐसा कोई भी सेकेंड नहीं है उनके साथ जब मैं कुछ नया नहीं सीखती हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, कैसे रहूँगा, क्या खाऊंगा, बट यहाँ आने के बाद मुझे रहने और खाने की बहुत सुविधाएँ बहुत अच्छी मिली। अगर मैं बात करूँ मेरे यादगार पल की, तो प्रत्येक दिन मेरे लिए यादगार रहा, क्योंकि हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो जैसे अगर मैं अपने ट्रेनिंग के बारे में बात करूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलें थी क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आई, उन्हें समझाया मैंने और मैं यहाँ आई। और जब मैं यहाँ आई तो आई वाज टू मच लाइक सरप्राइज, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हमें एक एक चीज के लिए तक सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ट्रेनिंग हॉल, तो जो हमारी ट्रेनर है उनका नाम है मिस अंजलि चमोली, शी इज टू मच कोऑपरेटिव। एक अच्छे फैसिलिटेटर बनने के लिए सिर्फ हमें चीज़ों को याद रखना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें कैसे डिलीवर करना है, इंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए, कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल और बाकी सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारा कुछ, ये जो पैरामीटर्स मैंने सीखे वो सिर्फ क्लास तक ही नहीं बल्कि मेरे रियल लाइफ में भी बहुत काम आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, वो सब कुछ FEA के थ्रू ही मुझे मिल पाया, ट्रेनिंग के दौरान मैं सीख पाई। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो वहाँ का जो लर्निंग एटमॉस्फेयर, सपोर्ट और जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं और अदर पर्सन हैं, वो उनका जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट है। ये ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का, लर्निंग एनवायरनमेंट है, आपकी ग्रोथ होगी। वहाँ दो तरीके के इंडक्शन होते हैं, पहला अर्बन, दूसरा रूरल। मैं अर्बन में गई थी तो उसकी वजह से, मेरी ट्रेनर की वजह से स्पेशली, उनका नाम खुशबू है, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। मुझे FEA के बारे में बहुत जल्द ही पता चला, बिकॉज माई सिस्टर इज अ स्टूडेंट ऑफ FEA, सो उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ जॉब कर सकती हूँ, तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया। पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग होंगे, कहाँ से आए होंगे, पता नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं, जैसा कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है स्पैम एंड ऑल। फिर मैं वहाँ पे गई एंड आई मेट मैनी पीपल देयर विच इज फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, एंड सो आई मेट देम एंड आई फेल्ट वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट आई नो मोर थिंग अबाउट FEA। लाइक मुझे लगता था कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होता है, फिर मुझे पता चला कि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं ताकि आप हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद कर सके। आज के समय में आदमी आपको पैसे से, पावर से जज करता है, पर वहाँ बिल्कुल विपरीत है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं लोगों को ये कहूँगा कि
एफईए में एक दूसरा ही माहौल है, वहाँ पे हर आदमी वो चाहे छोटा हो बड़ा, बड़े पोस्ट पे हो छोटे पोस्ट पे, सबको इज्जत मिलती है और बहुत ही शानदार जगह है। मुझे मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव अगर मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि आप भी एफईए ज्वाइन करिए और अच्छा बनिए। थैंक यू एफईए। और अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो कि वो नेहरू आए ट्रेनिंग के लिए एफईए ज्वाइन करें, तो आई श्योरली सजेस्ट, चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेंबर हो चाहे फ्रेंड, बिकॉज यहाँ की सारे ही स्टाफ जो है बहुत हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है। सो आई सजेस्ट एवरीवन। थैंक यू। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी एफईए ज्वाइन करें और बहुत सारी चीज़ें सीखें जो आपको अपने करियर में नौकरी पाने में मददगार साबित होंगी। थैंक यू। और अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना होगा तो आई डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि यहाँ का खाना, क्योंकि मैस का खाना आप सबको पता है, सब लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ के बिल्डिंग, एवरीथिंग से जुड़ के आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं और हाँ पैसे भी कमाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मेरी आप सबसे ये एडवाइस है कि अगर आप एक अच्छी जगह तलाश रहे हो जॉब के लिए, तो प्लीज आप लोग एफईए आओ, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।